तुझे सामने देख दिल थामने मैं लगा तू नजर ना चुरा तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा यूं ही फैंटेसी ना बना तू बेकार ताके शक्ल देख जाके जरा खैर अपनी मना आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है होने वाला नहीं कुछ तेरा ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके पर अभी होश कर तू जरा कैसे इतना रही है क्यों उड़ी जा रही है रख तू जमी पर जरा कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा तुझे अब है नहीं छोड़ना सोच कर तो बढ़ा ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप तू जा अपना चेकअप करा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है ये भी ना जाने राजे की हीर सोनिए बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी ना जाने राजे की हीर सोनिए शातें बनाना दूसरों को सताना तूने सीखा कहाँ से बता उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता ये अकड़ ना भी तेरा दिल है धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा दिल तेरा तू कर ले बहाना मगर लेके जाना जरूरी हुआ दिल तेरा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए ठीक कह रही उषा मैंने जो सलूक तुम्हारे साथ किया जिस इस तरह तुम्हें हर्ट किया तुम्हारी मोहब्बत पे शक किया तुम्हारे ईगो को कुचला सब काबिले माफी नहीं है ये अब मैं सोने लगा हूं सोने लगे या टीवी देखने लगे हूं
हीर मुझे टॉक शो देखे बगैर नींद नहीं आती है, और मुझे ड्रामा देखे बगैर नींद नहीं आती, तुम्हें पता है। और वैसे भी जिसके पास घर का कंट्रोल होता है ना, उसी के पास होता है रिमोट कंट्रोल भी। अच्छा ये बात है, तो ठीक है फिर तो मेरे पास एक और कंट्रोल है। ये क्या? अपना अपना रिमोट, अपना अपना कंट्रोल। ये क्या? लो चेत, मियां बीवी को लड़ाई से बचाए और प्यार बढ़ाए। सोचे? तुम सो जाओ, मैं तो लाइट का वेट करूंगी। हम तुम ऐसे कैसे खो गए, हम तुम ऐसे कैसे खो गए। सावा विकट बज दिए बेड़े तेरा ला, गलन कदी क्यों बनता मेरी नचिया। समझे ना कोई मेरी दास्तां, मैनू चलिया केंदे ने एक बारी कह दे तू झूठा सही। दुनिया नु दस दे अभी शावर लेके अपना ड्रेस चेंज कर लेता। कपड़े कहाँ गए सारे? खावन की ये इज्जत? मुझे लगता है आज ही इसको रोकने करना पड़ेगा, वरना तो ऐसा सर चढ़ जाएगी। अभी आएगी तो मैं बोलूंगा, हे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कपड़े निकाल के बाहर फेंकने की? हे इसे बोलेगी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, आज के बाद नहीं करूंगी। मैं बोलूंगा क्या सॉरी है, इसी वक्त मेरे कपड़े हैंगर में डाल के वापस हैंग करो, और अगर आज के बाद मेरी बगैर जान के कुछ की ना तो फिर देखना। भीर! क्या? क्यों चला रहे हो? क्या कहने? जान कपड़े इतनी देर से ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहे। वो पड़े। इनके लिए इतना चिल्ला रहे थे तुम? काफी देर से ढूंढ रहा था ना, मिल नहीं रहे थे। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रूप डालने की।
आज के बाद मेरे साथ ऐसे बात नहीं करना तुम। आवाज नहीं आ रही, बाहर बेल हो रही है, जाके दरवाजा खोलो। मैं नहीं तो क्या? मैं अच्छा खोलता हूँ, चेंज चेंज कर। चलो जाओ भी। गौरव कौन है? सलाम आजी घर पर रहे? अरे तुम, क्या बात है? ओ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ओ, रोमी भाई कैसे हैं आप? खबरदार जो तुमने कोई उधार मांगा है तो। और रोमियो इसको गाड़ी मत देना। अब्बा जी ने दवाई भेजी थी वो देने आया हूँ। अब्बा ने कहा है कि अगर तबीयत ठीक नहीं हुई है तो अस्पताल जाके दिखाएं, और अगर हो गई है तो ये दवाई लगानी है। ये इतनी सुबह तुम यही देने के लिए आए? बाजी मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, वो ये कि आप लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? क्यों, तूने साथ चल रहे? अभी कोई प्लान नहीं है हमारा। नहीं नहीं वो बात ये है कि देखें मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, ये देखें कितनी अच्छी हैं, जरा देखें। घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा है? अरे गौर से देखे ना। हाँ ना, अच्छा है ना, क्या मसला है बोलो। अरे अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त का है, बिल्कुल फ्री। अरे आप लोग चलने की तैयारी करें, आप लोगों के हनीमून की जिम्मेदारी मेरी है। तुमने अब्बा से पूछ लिया है? अरे पूछने की क्या जरूरत है, गर्म पानी आता है, 24 घंटे कुक मौजूद है, अपनी मर्जी से जो खाना चाहे खाएं, बड़े बड़े वॉशरूम, और सबसे मजे की बात पता है क्या रोमी भाई? क्या? बिल्कुल फ्री। आप लोग अपनी मर्जी से खुशी से कुछ देना चाहें तो ठीक है, लेकिन गेस्ट हाउस फ्री है। सोच क्या रहे हैं? आप लोग सामान की पैकिंग करें, मैं वैगन लेके आ जाता हूँ। अब थोड़ा एडवांस मिल जाता, मैं कल ही ले लूंगा आपसे। मैं चलता हूँ। ऐसा मुंह बना बना के थकता नहीं है, क्या हुआ? दूसरों को हनीमून पे भेजा जा रहा है, हमारा हनीमून तो सारा रक्षों में गुजार दिया। आफ्टर ऑल दमाद हूं। अब एमपीए पुदीना को पता चलेगा कि छोटे दमाद को दूसरे शहर भेज रहे हनीमून पे, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे नजर भाई, उस गेस्ट हाउस में 6 कमरे हैं, जा सकते। ये बातें मुझे क्यों बता रहा है? मेरे ससुराल वालों को बता। लोग अपने बड़े दामाद के आगे पीछे फिरते। नजर भाई, आपकी चारपाई जो है ना घर के सेंटर में रखी ही इसीलिए कि लोग आपके आगे पीछे घूमते रहे। अफलातून, तू गेस्ट हाउस वाले को कैसे जानता है? अरे अब्बा मेरा जिगरी है, उसी महल में रहता है। आप बेफिक्र होकर चले, वैसे वैगन में रोमियो और हीर तो जा ही रहे हैं, ना हम सब भी उसी में चलते हैं। हाँ लेकिन हीर और रोमियो को बुरा ना लग जाए कि हम साथ जा रहे हैं, एक दफा पूछ लेते हैं ना। उसे बुरा लगे ना लगे, तुझे जरूर बुरा लगेगा कि कहीं तेरा शौहर सैर ना कर आए। वैसे तो मेरा जाने का कोई मूड नहीं, लेकिन अगर आप लोग जिद करते हैं तो मैं चला जाऊंगा। तो खाने के अलावा और क्या मसरूफियत है तुझे? कई कई घंटे खाने का इंतजार करना कोई मसरूफियत नहीं। कई कई घंटे खाने का इंतजार करना कोई मसरूफियत नहीं। हीर के अब्बा रोमियो हीर अभी बच्चे हैं, उनका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। क्या तो ठीक रही है, अगर वो चले गए तो हमें फिक्र रहेगी। तो आप लोग भी स्याह नहीं है, यहाँ बैठ के परेशान होने से बेहतर है कि आप लोग भी साथ ही चले। अम्मी जी आप भी साथ ही चले, चट्टू बट्टा साथ ही ले लेना, वहां बैठ के कोई जड़ी बूटियां ही पीस लेना। हाँ मैं ही से बात करूं। मेरी बात सुनो, अभी पैकिंग ना करो, अभी मामा से नहीं पूछा मैंने। क्यों, मामा से पूछ रहे हैं, उनको बताना है कि हम जा रहे हैं। हाँ वही बताना है, लेकिन वो फोन नहीं अटेंड कर रही है आपका।
हाँ सोनी। हेलो हीर। हाँ कैसी हो? वो अफलातून कह रहा था कि हम भी साथ ही चलते हैं। गेस्ट हाउस तो काफी बड़ा है ना? अरे तो चलो ना, कितना मजा आएगा सब साथ जाएंगे तो। तो मैं कह रही थी रोमियो को बुरा तो नहीं लगेगा? रोमियो को अच्छा लगेगा सब साथ होंगे। नहीं नहीं, ये रोमियो पीछे से क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं नहीं नहीं, उसको जरा बुरा नहीं लगेगा। तुम क्या कह रही हो? हम किसी को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। क्या? रोमियो को मैं कह रही हूँ कि चुप करो, जिद कर रहा है कि नजर भाई को भी साथ ले लेते हैं। सुन ले नजर, रोमियो कह रहा है कि नजर भाई साथ चलेंगे तो ही मजा आएगा। दूसरों ने कदर की है मेरी, आप लोगों ने तो कोई नहीं की। अरे अगर उनके साथ ही जाने तो जाने का फायदा? अरे काम करो तुम, उन्हीं के साथ चली जाओ, मैं नहीं जा रहा। क्या? ये रोमियो पीछे से क्या कह रहा है? मना कर रहा है जाने से? वो कह रहे हैं कि नजर भाई नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सुनो, इसी बहाने तो तुम्हारा भी बकाया हनीमून हो जाएगा और इसी बहाने अम्मी भी घर से बाहर निकलेंगी, है ना? चलो ठीक ठीक है, ठीक है, ओके मैं बता दूं। हीर ने इजाजत दे दी है, चलो। तैयारी करते हैं, चलो। मैंने सुना उधर सर्दी बहुत होती है। अब्बा मैं भी पैकिंग कर लूं। मेरा रोमियो किस बात पे इतना खुश लग रहा है? मैं तुम्हें खुश लग रहा हूँ। हाँ जाहिर है, कल हम हनीमून पे जो जा रहे हैं। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। क्या तुम मुझसे नाराज हो? देखो मुझसे ना नाराज होने से एक दिन पहले मुझे नोटिस भेज दिया करो, वो ऐसा ना हो कि तुम्हारे अचानक नाराज होने से मुझे जहनी सदमा पहुंच जाए। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं हनीमून पे जाऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगा। क्या मतलब सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगा? किसी और के साथ जाने का सोचा ही मत, सिर्फ हम दोनों होंगे। भाई तो तुम ही अपने घर वालों को रेडी कर रही हो ना? हाँ तो वहां पहुंचकर हम दोनों भाग जाएंगे। ही शादी के बाद भी तुम्हारा भागने का शौक पूरा नहीं हुआ? तेरे साथ तो बार बार भागने का दिल जाता है, एक बार में थोड़ी दिल भरता है। जॉगर्स रखते हैं साथ भागने के लिए। चलो पैकिंग करते हैं अब। देखो मैंने तुम्हें फिर से लड़की बना दिया। मैं एक बार बूढ़ी हुई थी, उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली, अब बूढ़ी नहीं होना। मेरे होते हुए तुम हो भी नहीं सकती हो। हेलो, रोमियो साहब के लिए होगा, उसे दे देना। कॉल्स भी आ रही थी, फारिग होके कर लूंगी। हेलो, तुम दरवाजा खोलोगी? तुम्हारी बारी है। डॉक्टर शिनाज साहब घर पर हैं? हाँ वो अंदर हैं। हैं? अंदर हैं? वो तो क्लिनिक पे थी।
क्या हुआ? डॉक्टर शिनाज साहब घर पर हैं? जाहिर है उस वक्त क्लिनिक पर होंगी। बताओ किस काम से आए हो? मैडम बिजी हैं। उन्होंने आपके लिए होटल की बुकिंग हनीमून के लिए, बाकी की डिटेल्स आपको फोन पर आके दूंगी। बाय। ओके ठीक है। बाय। क्या होता है हनीमून? लेकिन मेरे घर वालों ने भी तो इंतजाम कर लिया होगा, मैं उनको क्या कहूंगी अब? अरे तो वो चले जाएंगे ना रेस्ट हाउस, हाँ उनको भी तो ब्रेक की जरूरत होगी ना। हाँ ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अपने पेरेंट्स को नहीं बताना कि हम भी वहीं गाँव आसपास में होंगे। सोचो कितना मजा आएगा ना मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स। हीर का बस चले तो पूरा होटल ही खाली कराते, सिर्फ हीर और सिर्फ रोमियो। रोमियो लड़का अच्छा है लेकिन उसकी मामा। और क्या, हनीमून पर बच्चों को अकेले भेज दिया, कोई मसला हो गया तो? हर किसी के मसले का पता है तुम? नहीं फिक्र तो मेरे मसले की कोई नहीं फिक्र। तुझे क्या मसला है? सुबह का तैयार होके बैठा हूँ, पर आपको क्या फिक्र? तो कोई इज्जत ही नहीं। कह रहे थे नजर तुझे सैयद मीर लेके जा रहे हैं। मैंने तो एमपीए पुदीना को भी बता दिया था, अब उसको क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? खबरदार जो तूने उस पुदीना का नाम लिया। वैसे हीरबाजी ने पहले तो बताया ही नहीं था कि उन्होंने होटल में रहना है। अरे हीर को पता ही नहीं था कि वो होटल में रह रही है, वो तो रोमियो की माँ ने सरप्राइज दिया दोनों को। हैं? मैंने तो वैन वाले को पेमेंट भी कर दिए, अब वो वापस नहीं करेगा। कह रहा था कि जाओ या ना जाओ पेमेंट वापस नहीं होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? उसे बताना था कि मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ। बताया था अब्बा, इसीलिए तो कह रहा था। मरीज ठीक हो या ना हो तुम्हारे अब्बा दवाई के पैसे पूरे लेता है ना, इसीलिए आप लोग जाओ या ना जाओ हम भी पेमेंट पूरी लेंगे। बात तो सही है। वैसे वैसे गेस्ट हाउस था बड़ा खूबसूरत। हाँ अब्बा ऐसी जगह बार बार थोड़ी मिलती है, जहाँ कुक भी है, गर्म पानी भी आता है और किराया भी नहीं है। पांच साल बाद ख्याल आ ही गया था बड़े दामाद को कहीं ले जाने का, तो ना ले जाते, मेरी इतनी बेइज्जती तो ना होती। ना ना तुम्हारी कैसे हो गई बेइज्जती? ना जिन जिन को मैंने बताया था हकीम साहब कि स्पेशल मुझे सेहत अफजा मकाम पर लेके जा रहे हैं, जब उनको पता चलेगा कि नहीं लेके जा रहे तो वो तो यही समझेंगे ना कि नजर झूठ बोल रहा है, असल में ले जा ही नहीं रहे थे। होगी मेरी बेइज्जती। हकीम साहब बैगन के तो पैसे देने पड़ ही गए हैं, नजर को भी घुमा फिरा लाएं। मुझे अफलातून के दोस्त पर एतबार नहीं है, एक बार फोन करके दोबारा देख लो। अरे अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं ये, उसने मुझे खुद ये तस्वीर भेजी है। खाना पीना रहना सब मुफ्त अब्बा, मेरा जिगरी दोस्त है। अच्छा तुम चले जाओ, मैंने दवाखाना खोलना है। अरे अब्बा जी किसी से आने बंदे को भी तो साथ जाना चाहिए, आप ही चले जाते। चले ये कौन सी तस्वीर? आइए
दस हुण की करा तेरिया मैं तेरिया 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 Wow. Not bad, huh? Ah. हीर, तुम्हें पता है इस हनीमून की सबसे खास बात क्या है? हाँ, यहाँ का व्यू. नहीं. इस रूम का इंटीरियर और बाथटब. नहीं हीर, नहीं. क्या? इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहां हमारे पेरेंट्स नहीं है. कितने मीन हो तुम. अच्छा, मीन हूँ मैं? हाँ. हम तुम ऐसे कैसे खो गए. सावा भी कट बज दिए बेड़े फेरा ला. गले नहीं कदी क्यों बनता मेरी रचना. समझे ना कोई मेरी दास्तां मैनू चले. एक बारी कह दे तू झूठा सही. दुनिया नु दस दे लगिया तेरिया मैं तेरिया 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 मैं तेरिया मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते में ओ सड़क पे ओ हनीमून आया ओ नजर वहीं छोड़ आया. कड़गड़ गिन कड़गड़ आजा अफलातून आजा सामान रख. अम्मी ये सब किस लिए है? अफलातून कह रहा था वहां बड़ी ठंड है, मैंने रजाइयों को धूप लगवा दी है. अब वैसे भी हकीम साहब किसी और के तकिए पर नहीं सोते. वैसे सारा इंतजाम सही होना चाहिए हैं? मैंने वो दवाएं भी निकाली है ना, वो लेकर अब दवाएं जो मैंने निकाली है. चल ठीक साहब, आप शहर पे जा रहे हैं या अपने दवाखाने की नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं? और नजर पुत्र, वहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई तो कहाँ हकीम ढूंढते फिरेंगे. इसीलिए मैंने दवाएं भी रख ली है और गरम मेवे भी रख लिए हैं क्योंकि वहाँ ठंड होनी है. हकीम साहब, अगर वहाँ जाके भी गर्मी लगनी है तो फिर जाने का फायदा? वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि आपको यरकान सा हुआ? अपनी ऐनक उतार के तो देखो. सबसे पहले तो अंदर जाके बैठ गयो ताकि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े. मैं काम करूं? ये हकीम साहब की बेइज्जती है. आफ्टर ऑल द मादू मैं. वैसे सोनी सोनी ऐसा चिकन रख ले, पता नहीं मुर्गा किस किस्म का हो. है नजर भाई, आपने मुर्गा ये देखकर खाना है कि वो 62-63 पर पूरा उतरता है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मैं तो भूल ही गई बर्तन रखना. सोनी जल्दी से जाके 6 प्लेटें 6 ग्लास और 6 चम्मच ले आ. हाँ, मैं सोनी सोनी मेरी कुकड़ी, मेरा मतलब है कुकड़. सोनी कुकड़ रख ले. ये बात आप लोग शहर पर जा रहे हैं, घर शिफ्ट नहीं कर रहे? भाई हम जितना मर्जी सामान रखे, तू कौन होता है बीच बोलने वाला? है सोनी,
ओए रुको, ओए रुको, ओए रुको, ओए रुको, ओए रुको, ओए रुको, रुको, रुक जा, रुक जा, रुक जा, यही है, यही है। चलो 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 भाई, सामान उतारो, सामान उतारो। सामान आप खुद उतारेंगे, पैसे दे दे मुझे। हैं? वो दे रहे हैं भाई, सामान तो उतारे। 500 मेरा कमीशन, तुझे यहाँ आने का बिजनेस नहीं दिया मैंने। पैसे दे दे मेरे। अरे नजर भाई, 2000 ऐसा पैसा यार। मैं कहाँ से दूँ? बहुत ही नदीदा बंदा है ये भाई। मैं दे देता हूँ, ये लो अपने पैसे। शाबाश, सामान निकालो। चलो सामान निकालो, शाबाश, सामान उतारो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जगह तो इधर रखो, इधर रखो, शाबाश रखे यार, इधर। चल तू भी उठा ले। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। जल्दी करो ना। हाँ हाँ हकीम साहब, आप फिक्र नहीं करे, मेरे से बात कर ले। ये हाँ, ये भी उतारो ना। उतार हो, जल्दी करो ना भाई। जगह अच्छी, जगह बहुत अच्छी है भाई। दावे दे, दे। ले जा। भाई अफलातून, ये बाद में किसी को भिजवा के ना सामान अंदर ले जाते। चले हकीम साहब, चले। किधर जा रहे हैं मुंह उठाकर? ओए तमीज से बात करो। जानते नहीं कौन लोग हम? अफलातून बता ऐसे यार, हमने बुक किया ये 3 दिन के लिए। यहाँ तो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, आज रात को उठाओ यहाँ से सामान अपना। तुमने किसी से बात भी की थी या नहीं? मैं बात करने की क्या जरूरत है, मेरा जिगरी है। तो भाई हम राजा तबारक के मेहमान हैं। हाँ, उसकी इस गेट पे ड्यूटी 8 से 4 बजे होती है, वो कल मिलेगा आपको। हैं? क्या वो यहाँ चौकीदार है? अफसर है वो, उठाए यहाँ से सामान और रास्ते क्लियर करें। ये क्या कह रहा है, तो चौकीदार है। बेस्ती क्रासी ला बेस्ती, वो कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेते यार। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ। मैं अभी राजा तबारक से कह के इसकी तबीयत साफ कराता हूँ। तबीयत तो बाद में साफ होगी, पहले सामान तो उठाओ, साइड पे कर लो। हाँ चलो उठा, उठाओ सामान से में पड़ा है। हाँ ये भी, ये भी, ये भी। अरे यार आप रहने दे हकीम साहब, बिल्कुल रहने दे। सोनी ये तुम उठाओ। डॉक्टर शहनाज, मनाल ने मुझे बताया था, उसने गूगल पे रिसर्च की है, हनीमून पर फैमिलीज अलाउड नहीं होती। आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मेरे पॉइंट क्यों नहीं समझ रहे हैं? रोमियो इस तरह से पहली दफा अकेले आया है, उसे आइडिया ही नहीं कि किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी हम उसको कौन सा पता चलने देंगे कि हम इसी होटल में ठहरे हुए। चलो शुक्र है आपने रोमियो के बहाने अपना क्लिनिक तो बंद किया, और हमें भी 2-4 दिन इकट्ठे गुजारने का मौका मिल गया। थैंक यू रोमियो। ओह पर डॉक्टर राजा, आप तो हमारे आने के खिलाफ थे। देखिए जी, डॉक्टर की मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो किसी के लिए अपना क्लिनिक बंद करता है या नहीं। आपको तो लगता है रोमियो से वाकई बहुत मोहब्बत है। लग रहा
मैंने मिस कॉल दे दी है, अभी कॉल बैक कर लेगा। मिस कॉल के बच्चे, हम सड़क पर खड़े हैं और तू मिस कॉल ही कर रहा है। बस झूठ तो ना बोले, खड़े ही कहाँ, बैठे हैं आप लोग तो। आप लोग गए नहीं अभी तक, निकले यहाँ से। ओए, ओए तमीज से बात करो, इस शहर के सबसे बड़े हकीम है ये। अब्बा जरा इसकी नब्ज चेक करके बताइए, इससे कौन सी बीमारी है? तुझसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कितनी बार कहा है कि पहले कंफर्म कर ले। अब्बा कंफर्म ही कंफर्म था, हम लोग लेट हो गए हैं और वो चार बजे चला गया। साले, सोनी ये सब तुझे बेवा करने की साजिश है सोनी, इन्हे पता भी था कि मुझे सर्दी कितनी ज्यादा लगती है। अपना तू जाना, पता कर कि वो कहाँ रहता है। ओ, सर्दी की वजह से रजाई में बैठा होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा है वो। जिस तरह मैं सर्दी में बैठ के रजाई में फोन नहीं उठाता ना, वैसे ही घर जाके पता करता हूँ मैं। जाता हूँ, जल्दी पता कर। हकीम साहब, मुझे सर्दी लग रही है, आप कंबल ओढ़ के बैठे हुए लाए मुझे दे। शाबाश, हाँ मुझे नमूनिया हो जाए तो कंबल ले ले। ये लड़का लड़की आपस में क्या बातें कर रहे? ये दोनों ये बातें कर रहे हैं कि हम दोनों क्या बातें कर रहे हैं? रोमियो, ये सब कुछ कितना रोमांटिक है ना? हाँ, रोमांटिक तो बहुत है और मैं भी बहुत रोमांटिक हूँ। अच्छा, तो कोई रोमांटिक बात करो। आई लव यू मत बोलना, इसमें बिल्कुल रोमांस नहीं है। लगता है आपको नया वर्ड दरियाफ्त करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो ना, मुझे ये बताओ ये शादीशुदा है? बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं है, लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं। नहीं हीर, कभी भी नहीं, लड़के कभी भी नहीं बदलते, लड़कियां होती हैं, लड़के नेवर कभी भी नहीं बदलते। हाँ हाँ सही है। अच्छा जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। काफी सर्दी नहीं है? मैं लाता हूँ ना, कौन सा फ्लेवर खाओगी? अच्छा तो मेरे लेकर आओ चॉकलेट। नहीं, वनीला। ओके। नहीं, स्ट्रॉबेरी। ओके। मुझे डिसाइड नहीं हो पा रहा, कोई भी ले आओ। काफी सर्दी नहीं है? वो देखो। सीखो कुछ, उसके लिए आइसक्रीम लेकर भी आ गया। जाओ लेकर आइसक्रीम। लेकिन उस लड़की के लिए मैं क्यों आइसक्रीम लेकर आऊं हीर? मैं लाता हूं ना बाबा, मैं लेकर आता हूं। मैं भी चलती हूं। ओके अच्छा। हेलो, कौन है? देख रहे हो इनकी हरकतें, इसे फ्लो हो जाएगा। अरे एंजॉय कर ले, दो नौजवान है दोनों। 31। तुम मेरी छीके क्यों गिन रही हो? अरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा ना 32 मोहब्बत में सबसे ज्यादा छीके मारने वालों में तुम्हारा नाम होगा। अभी रोमियो के काम की इसे टॉन्सिलाइटिस से फिर भी आइसक्रीम खा रहे। शहनाज,
तुमने वादा किया था कि उनको पता नहीं लगने दोगी कि हम दोनों यहाँ आए हुए हैं। ओह माय गॉड हीर, बहुत ठंड लग रही है। Show me your